तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार SSC इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 2023 को लेकर, और ये सेट नंबर 4 है हमारा। तो देखें जो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। अब देखिए जनगणना क्या है, 2021 में हुआ नहीं, इसके लिए सवाल पूछ रहा है। विकल्प हैं 1, 3, 2 या 4, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य जो है 2 चरणों में किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, जो जनगणना होता है सामान्यतः देश में 10 वर्ष पर होता है, और सबसे पहला देश में जो गणना है 1872 ईस्वी में किया गया था, और जो 2011 में हुआ है जनगणना वो भारत की नियमित 15वीं जनगणना थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जनगणना अधिनियम क्या है, तो भारत में जो जनगणना के लिए अधिनियम है वो 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम है, जिसके तहत भारत में जनगणना संचालित की जाती है, और जनगणना का काम जो है गृह मंत्रालय का है। इसके अलावा जो 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम है उसके अनुसार केंद्र सरकार को किसी विशिष्ट तिथि पर जनगणना करने या निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर परिणाम उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो 10 वर्ष पे होता है ये सामान्यतः एक प्रक्रिया है जिसके आधार पे ये होता रहता है, ठीक है। अब आगे देखें प्रश्न नंबर दो है कि मोगाओ गुफाएँ, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएँ भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 4 विकल्प हैं, पहला है नेपाल, थाईलैंड, चीन और भारत। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा चीन। ये जो मोगाओ गुफाएं हैं ये चीन में स्थित है, और यह एक विश्व विरासत स्थल है जिसे कि सन 1987 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। और प्रश्न नंबर 3 है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो मुद्रा से भी संबंधित बिहार SSC में सवाल पूछते हैं, और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि जो पेपर है ये या तो मार्च लास्ट तक हो जाए या फिर आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, है ना। तो थोड़ी टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा, है ना, बस चिल करिएगा, आराम से पढ़िएगा। तो यहाँ पर विकल्प है थाईलैंड, तुर्की, बांग्लादेश या सर्बिया। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है सी हो जाएगा कि टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। और प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है, या कौन सा कथन GST के लिए सही नहीं है। विकल्प है कि GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। बी है कि GST एक गंतव्य आधारित कर है। सी है कि GST इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही एक दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। और डी है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर। तो बताना है कि इनमें से कौन सा GST के लिए सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर, ऐसा GST में कोई व्यवस्था ही नहीं है, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह, जिसे कि नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मोरमुगांव बंदरगाह। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कच्छ गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। राष्ट्रीय, गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ए विकल्प होगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतकार के संस्थापक थे, जिसे लाल कुर्ते भी कहा जाता था, और खान अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने का सबसे उपयुक्त जरिया है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट या फेसबुक। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। लिंक्डइन जो है ये ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। एटा, उन्नाव, रामपुर या सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सिकंदरा।
और प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट, मैडम भीमा भिकाजी कामा, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से की थी। और प्रश्न नंबर 11 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा, या भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, या भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय संविधान के द्वारा हुई है और यह संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकपाल? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। और प्रश्न नंबर 13 देखें। प्रश्न नंबर 13 है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, यानी कि विधेयक अधिनियम कब बनता है? चार विकल्प हैं। पहला है कि जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। बी है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, या सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, और डी है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो यह जो विधेयक है अधिनियम बन जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग की बात करें तो ऐसा युग जिसके औजार जो है तांबे के साथ साथ पत्थरों के द्वारा पत्थरों के बने हुए मिलते हैं, उन्हें ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक एज जो है या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि क्या है कि इस काल मतलब सिंधु सभ्यता के जो लेख हैं अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अब बात करें ऐतिहासिक काल के निर्धारण की, तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है जो उनके द्वारा लेखन है उसके आधार पर किया जाता है। अब जिस कला में लेखन का ज्ञान मतलब जिस काल में लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था उसे उस ऐतिहासिक काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जबकि ऐसा ऐतिहासिक काल जिसके लेखन तो मौजूद हैं लेकिन उसको अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं आद्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। जबकि ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल जिसके दस्तावेज मौजूद हैं और उसको पढ़ा जा सका है ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो सिंधु सभ्यता जो है इसके दस्तावेज जो या जो लेखन है प्राप्त तो है लेकिन अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं, तो वो आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखें। प्रश्न नंबर 16 है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, शिवाजी ने या हर्षवर्धन ने? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि यह शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और इन्होंने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर एक अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी जिसके तहत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें शामिल थे पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 17 देखें। तो प्रश्न नंबर 17 है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सुपारा शिलालेख। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर भी था। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील का विवरण है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां नंबर प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्तकाल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक रूप से पतन होने लग गया था।
तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्र पाल। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं धर्मपाल हैं और ये पाल वंश के शासक हैं, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भागलपुर में स्थित था। और प्रश्न नंबर 20 और अंतिम है हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था या आक्रमणकारी कौन था, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश बख्तियार खिलजी या अली मर्दान खिलजी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता या मुस्लिम आक्रमणकारी था। अब बख्तियार खिलजी की अगर हम बात करें तो ये मुहम्मद गौरी का दास था जिसने सन 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने तहस नहस कर डाला और राजधानी जो उदंतपुरी थी वहाँ पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी के बीच में बंगाल पर भी आक्रमण किया था। और जो मिन्हाज सिराज इतिहासकार हैं उनकी पुस्तक तबकात नासिरी में बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का उल्लेख है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।